आज हमारी लड्डू सुनाने जा रही है जोनी जोनी यस पापा। स्टार्ट करो लड्डू। अरे सुनाओ जल्दी जल्दी। लड्डू को नहा धोकर और रोटी वाले को अकेले रोटी देने कहाँ पहुंची है। यानी मैं ही दूंगी और कोई देगा नहीं। दे दी तेरी धूप में घूम गाँव के। अभी नहा के ही निकली थी बस रसोई में से। बिना चप्पल के क्यों गई गंदी लड़की। चलो चलो अकेले ही पहुंच गई देने के लिए लड्डू। नलायक लड्डू। टेस्टी है ना लड्डू। मीठे बहुत है और टेस्टी है। छोटे छोटे से ना के मेरी हरी। मैं कर रही हूँ बच्चों के साथ मस्ती। और लड्डू और जुनेद आए हैं और ये लेके आए हैं अपना ऐसा कुछ ये बबल्स जिसमें से निकलते हैं। तो मैं देखो फुलाऊंगी ढेर सारे बबल्स निकलेंगे। एक है जुले आओ सामने आओ। हम सब कर रहे हैं मस्ती। बोलो हम सब कर रहे हैं मस्ती। आराम से लो पकड़ो और कैच करो कैच करो। लड्डू लड्डू को नीचे इधर आओ। सामने आ लड्डू सामने आ। आज हमारी एक पार्टी का इनविटेशन। शाम हो चुकी है और जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले खाना ही बना के आई थी और मुझे फटाफट फटाफट अपना नहाना भी है अभी। और वो जो हमारे सामने सोनम दीदी रहती थी आज उनकी बेटी का बर्थडे है तो आज उनके घर उन्होंने हमें इनवाइट किया है तो हमें उनके घर जाना है आज। और शायद हो सकता है कल मॉर्निंग में मैं अपने मायके निकल जाऊँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने जो घर लिया है उसका देखते हैं क्या होता है। नौवीं वाले दिन करेंगे वो। तो फिलहाल मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ और हो चुकी हूँ रेडी। और मैंने आज सूट वेयर किया है सिंपल सा और ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं किया नॉर्मल लिपस्टिक लगाई है। और इशिका भी हो चुकी है तैयार। इशिका उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो उसको इनवाइट किया था तो वो भी हमारे साथ जा रही है। अब निकलते हैं चले इशिका चलो। पंखा बंद किया। एक हेलमेट भी लेना यार मुझे तो अभी। माइक ले आते हैं। माइक माइक क्यों चल गान बता। कोई नहीं माइक बिना माइक। अच्छा एक और हेलमेट लाना था क्या। चले इशिका बैठ बीच में। इशिका बैठो बैठो बैठो। अब मेरी बारी। तुझे हेलमेट क्या आंटी। अरे आंटी टाइम ही नहीं है मेरे पास ब्रश। अरे मेरे यही द्वार का ही द्वार का। खड़ी हुई यहाँ पर अभी गिफ्ट शॉप पे तो मैंने उस बच्ची के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल से दो एक शिव जी हैं जो कार में रखते हैं छोटे से डेस्कटॉप बोर्ड पे जो रखते हैं वो है। और एक है मतलब कैसे बताऊँ पैन है विद वॉच वाला स्टैंड है बहुत अच्छा है वुडन का बना हुआ है। मैंने वो वहाँ से लिए थे वहाँ गिफ्ट शॉप है। ये बहुत बड़ी गिफ्ट शॉप है मैंने यहीं से ही लिए है तो मिल गए अच्छे खासे दो गिफ्ट मिले हैं बहुत अच्छे हैं। अभी हम हैं सोनम दीदी की सोसाइटी के बाहर। ये उनकी सोसाइटी है तो एंट्री अभी ऐसे होने नहीं देते क्योंकि बिना उनकी परमिशन के। तो अभी हम उनको फ़ोन कर रहे हैं पूछ रहे हैं देखते हैं कितनी देर में आ रही हैं वो। गार्ड भैया के साथ हेलमेट तो निकालो यार इतना बुरा लग रहा है। ये है येलो ड्रेस में वो बर्थडे गर्ल जिसका बर्थडे है हम उनके घर आए हैं। और फाइनली सोनम दीदी आ चुकी है घूम के। और ये है इनका बेटा विराज जिसके बारे में मैं सुनती हूँ। सोनम दीदी के घर आ चुके हैं और टांगे बहुत दर्द हो रही है तो मैं तो आके बैठी गई आधे घंटे घंटे। नहीं नहीं बेस्ती नहीं तो देखते हैं अभी आए घूम फिर के आए हैं फैला पड़ा है तो कोई नहीं। अभी हम गिफ्ट ऋषिका अपना गिफ्ट ओपन कर रही है। ऋषिका ने कर लिया ओपन। दिखाओ दिखाओ क्या गिफ्ट है। ये देखो
ओहो स्टैंड है, वॉच विद पेन स्टैंड ना, ये राउंड हो जाता है, मुड़ जाता है ना, इसको दिखाना, इस पे रख के दिखाना, इस पे रख के दिखाओ। हाँ अच्छा है, हाँ ये सोनम दीदी का गिफ्ट है। नई गाड़ी का, नई गाड़ी के लिए बहुत कभी आपको अच्छा लगा इनका गिफ्ट? सोनम दी कैसा लगा? बहुत सुंदर है, थैंक यू। सिंपल सा हमारा छोटा सा गिफ्ट जो भी था हमारे बजट में हमने वो ले गए। बच्चों की हो चुकी है पिज़्ज़ा पार्टी स्टार्ट। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों बाद भुक्कर ने पिज़्ज़ा खाया। मजाक कर रही, मजाक है ना। अच्छा कभी कभी, अरे यार ऐसे बेइज्जती मत करो, तुम्हारी मम्मा हमेशा मंगवाती है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, हमेशा कितना भी खा ले पर हमेशा बुराइयां पेरेंट्स की करेंगे। नहीं, जब से मेरे को जॉन्डिस हुआ है ना, मेरे को पिज्जा नहीं मिला। अच्छा पिज्जा नहीं मिला, चलो कोई नहीं, एंजॉय करो आप पिज्जा पार्टी। कट होएगा रिद्धि का थोड़ी देर में होएगा। हाँ रिद्धि का केक कटने में अभी टाइम है, तो अभी सडनली हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे को अभी सुबह, मेरे को मॉर्निंग में अपने घर भी जाना है, काफ़ी देर का ट्रैवलिंग होगी तो इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है। तो ये रिद्धि का केक है, बहुत स्वीट सा, और अभी ये काटेगी। बर्थडे बेबी, थैंक यू सो मच। शर्मा गई तो बस, बाय बाय।